नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज जिस कार को मैं चलाने जा रहा हूँ वो है 2009 Hyundai i10। यह है इसकी चाबी, जिस पे कि लॉक अनलॉक का फंक्शन मिलता है और सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई है अलग से, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चाबी है। चलते हैं इसके इंजन की तरफ, खोलते हैं हुड को। तो यह है इसका इंजन, 1197 cc का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 80 हॉर्स पावर और लगभग 111 Nm का टॉर्क। 15-16 का एवरेज आपको दे देगी इजीली। 35 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। 5 स्पीड मैनुअल में है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक में भी आती थी ये। और चलाते हैं इसे, करते हैं इंजन को स्टार्ट, डालते हैं इसे फर्स्ट गियर में और बहुत सारा व्हील स्पिन, मिट्टी के कारण अलग ही मजे हैं ये भी। जो ये इंजन है 1197 सीसी का, ये प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 79 टू 80 हॉर्स पावर और लगभग 111 Nm का टॉर्क। कापा VT इंजन है ये और पावर फिगर्स अच्छा है ये, और ऐसा कोई आपको इशू भी फेस नहीं होगा पावर से रिलेटेड इसमें, क्योंकि जो शुरुआत से आपको अच्छा पंच मिलता है पावर का। विजिबिलिटी की बात करूँ तो अच्छा खासा विजिबिलिटी इसमें मिलती है, जो ग्लास एरिया वो बड़ा है, जिस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है ORVMO या IRVMO किसी भी चीज़ से रिलेटेड। सस्पेंशन जो है इसका सॉफ्ट है, जिस वजह से आपको बहुत कंफर्ट मिल पाता है, और जो स्टेयरिंग है वो इतना फील एंड फीडबैक नहीं देता है। ये पावर स्टेयरिंग है पर उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है Hyundai लेवल वाला, जो Hyundai की अधिकतर कार इतनी स्मूथ होती है पावर स्टेयरिंग में, और उतनी स्मूथ नहीं है ये। जैसे i20 लाइट आप देखेंगे, क्रेटा देखेंगे, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है वो स्टेयरिंग उनकी, और जो गियर बॉक्स है वो इतना स्मूथ है कि आप एक उंगली से गियर शिफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। क्लच भी बहुत लाइट है और जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। इसमें ABS नहीं है बट जो ब्रेकिंग आपको मिलती है बहुत अच्छी मिलती है कार में। पावर से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इस कार में आपको, और जो एवरेज वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, 15-16 का इजीली आपको एवरेज दे देगी सिटी के अंदर ही है, और ऑन हाईवे आपको ज़्यादा एवरेज मिल पाएगा इससे। रेव करता हूँ इंजन को तो ये बहुत जल्दी रेव होता है, और 6,500 RPM के आसपास रेड लाइन हो रहा है इंजन ये। इजीली 80 पे आप पहुंच पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, और 80-100 तक गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है, बट उससे आप फास्ट चलाएंगे इसे तो इतनी स्टेबल नहीं होती है, और जो स्टेयरिंग वो भी इतना रिस्पॉन्स नहीं देता है। देखिए इतने में तो डैडी लग रहा है मेरे को, बट जो सस्पेंशन की सॉफ्टनेस है उसकी वजह से आपको जो हल्के फुल्के बम्प्स लगते हैं, ज़्यादा बम्प्स फील्स नहीं होते हैं, बट थोड़ी थोड़ी ऐसी मछली तरह, मतलब कि नाव की तरह ऊपर नीचे होती रहती है कार सॉफ्टनेस की वजह से। और अगर आप 5 लोगों को बिठा के इसमें चलाएंगे, आप सामान भी रख लेंगे बूट में, उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी पावर से रिलेटेड। तो भले आप उसे AC में भी यूज़ करें, AC भी अच्छा है इसका। ऑटो डिमिंग तो नहीं मिलता है IRVM, बट ये मैनुअल ही है, आप इसे डिम कर सकते हैं चाहे तो, और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ORVM को। पावर से रिलेटेड तो कभी आपको इशू फेस नहीं होगा इस कार में। सिटी के लिए बहुत बढ़िया कार है ये, अगर आप इसे सिटी में चलाएंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। छोटी सी कार है और जजमेंट भी बहुत बढ़िया है इसका, आप इजीली किसी भी स्थान पे से पार्क कर सकते हैं, रिवर्स में भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसे AC में भी यूज़ करते हैं 3-4 जनों को बिठा के, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इसमें। साथ ही साथ एक 1.1 लीटर के IRD2 इंजन के साथ भी आती थी, और वो इंजन जो था वो इतना पंची फील नहीं होता था, बट जो स्पेशली ये जो इंजन है ये ज़्यादा पंची फील होता है उस इंजन से कंपेयर करें तो। अगर आप इसे 800 से कंपेयर करेंगे, ऑल्टो 800 से या ऑल्टो K10 से कंपेयर करेंगे, तो ये बहुत बेटर कार है उन सबसे, तो क्योंकि इसे चलाने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। आप इसे 4 सिलेंडर इंजन है, भले वो 1.1 IRDA वाला इंजन हो, वो भी 4 सिलेंडर है, तो पावर से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है।
भले आप इसे एसी में चलाएं, फुल स्पीड पे एसी हो, फिर भी आपको कोई ऐसा हल्का बहुत लैग लगेगा, बट इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी पावर से रिलेटेड। तो वैगन आर से कंपेयर करें तो वैगन आर से इसका इंटीरियर अच्छा दिखता है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि जो इसका बीजन ब्लैक कलर का, जो बीजन ब्राउन ब्लैक जो इसे कह सकते हैं हम, जो कलर स्कीम है बहुत बढ़िया है, एरी लगता है, इस वजह से थोड़ा प्रीमियम लगता है। जो प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ना इतनी ख़राब है, तो ठीक ठाक क्वालिटी है प्लास्टिक की, बस थोड़ी बहुत स्पेस की प्रॉब्लम है, वो आपको वैगन आर में भी फेस होगी, क्योंकि बॉटल रखने की मैंने आपको एक समस्या बताई है कि बॉटल को मैं, जैसे मेरे पास टपरवेयर की बॉटल है वो यहाँ पर रख नहीं पा रहा हूँ मैं, वो आ नहीं पा रही यहाँ पे फिट, तो मैंने उसे भी पीछे रखा नहीं तो वो गिर जाती थी उधर, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये छोटी सी ना, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ये। और कार के वेट के अकॉर्डिंग पावर बहुत अच्छी है इसमें, 850 किलो के आसपास इसका वेट होगा अराउंड कर वेट, और उसके बावजूद भी जो पावर है अच्छी है, 80 PS की पावर, शुरुआत से आपको अच्छा ग्रंट मिलता है पावर का। और जो स्टेयरिंग है इसका, इस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं, ये एडजस्टेबल ज़रूर है, इसे आप नीचे कर सकते हैं पर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे ही कर सकते हैं। तो जब ये डिसकंटिन्यू हो गई है उसके बावजूद भी ये रीसेल मार्केट में बहुत अच्छी कार है, अभी भी बहुत लोग i10 के दीवाने हैं, इसे ख़रीदते हैं, क्योंकि ये सिटी में बहुत बढ़िया गाड़ी है, एवरेज भी अच्छा देती है, पावर भी अच्छा देती है, सबसे बड़ी चीज़ है पावर, उससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, और साथ ही साथ रिलायबल भी है हुंडई, कोई आपको पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, सस्ता भी है, मेंटेनेंस इतना हायर नहीं है, सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, और अगर आप इसे कभी अभी हाईवे पे भी चलाते हो तो कोई भी आप तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छी फैमिली कार है, चार जनों के लिए तो बहुत बढ़िया ही है, ये सफिशियंट है, अगर पाँच में एक बच्चा भी हो तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, अगर ज़्यादा हेल्दी हो और ज़्यादा बड़े लोग हों तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है पीछे की सीट्स में, बट बाकी कार बहुत प्रैक्टिकल है, ये इंडियन रोड में इस वजह से बहुत बिकी भी है कार ये। और स्पेस की बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी स्पेस मिलती है इसमें आगे तो, और पीछे भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, अगर 6 फीट टॉल गाय भी कार चलाता है तो पीछे आराम से एक 6 फीट टॉल गाय बैठ सकता है, वो इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा पर इजीली वो छोटी मोटी ड्राइव पे या थोड़ी बहुत लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकता है, उसे कोई इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं बात करूँ इसके सीट्स की, तो सीट्स कंफर्टेबल है, बट इसमें आपको हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी बहुत कंफर्टेबल है सीट, ज़्यादा आपको थाई सपोर्ट भी नहीं मिलता है क्योंकि सीट यहीं पे ख़त्म हो जाती है पूरी, मेरी देखिए इतनी इतनी थाई अभी भारी है और मेरे पाँव अभी क्लच से हटा रखा है, तो आप स्पेस देख सकते हैं इधर मेरा पाँव आराम से टिका हुआ है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, ना कुछ चुभ रहा है ना कुछ हो रहा है। जो इसकी गियर बॉक्स की पोजीशन है वो आपको रीड्स की ज़रूर याद दिलाएगी, क्योंकि रीड्स में भी आपको गियर बॉक्स इधर ही मिलता है, और ये बहुत अच्छी स्पेस लगती है मेरे को गियर बॉक्स के लिए, क्योंकि ईजी टू रीच है, ना आपको ज़्यादा हाथ नीचे नहीं करना पड़ता है, और इस वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। रीड्स में भी अच्छी लगा, अच्छी जगह उन्होंने प्लेस कर रखा है उसके गियर बॉक्स को, रीड्स भी डिसकंटिन्यू हो गई है, बहुत बढ़िया कार थी वो, इसे आप रीड्स की टक्कर की मान सकते हैं, क्योंकि तो प्राइस जो थी इसकी अराउंड 5 लाख रुपीज़ के आसपास थी, और रीड्स भी 5.5-6 लाख रुपये के आसपास थी पेट्रोल में, तो उसके टक्कर की आप इसे मान सकते हैं, उस हिसाब से बढ़िया कार है ये पेट्रोल में तो, बट रीड्स जैसा पंच इसमें नहीं है पावर में, रीड्स का जो पेट्रोल इंजन है VVT इंजन वो बहुत बढ़िया है, इसमें VTVT ड्यूअल VTVT मिलती है, वेल्व टाइमिंग मिलती है, जिस वजह से आप इसे ट्यून भी कर सकते हैं चाहे तो, और ये अच्छी तरह से ट्यून है, ऐसी कोई ज़रूरत आपको ज़रूरत नहीं रहेगी ट्यूनिंग के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से ट्यून्ड है ये, बस अगर आप इसे कॉर्नर्स में ले जाते हैं तो थोड़ा आपको लगता है कि स्पीड को कम कर लें, वो ज़रूरी भी है हुंडई इस कार के लिए, ज़्यादा उन्हें पुश ना करें क्योंकि आपको स्टीयरिंग इतना रिस्पॉन्स नहीं देगा, और साथ ही साथ ये रिलायबल कार है मैंने आपको जिस तरह बताया है, अगर आप इसे यूज़ में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, अच्छी कार आपको मिल जाएगी, जैसे 35,000 G9 कार चली हुई है, लगभग मैंने इसे 100-150 किलोमीटर चलाया है 2 दिन में, इससे पहले मैंने बहुत सारी i10 चलाई है पर अभी POV वीडियो बना पा रहा हूँ मैं इसकी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई अच्छी बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।